अभिषेक झा जी, क्या तैयारी है जेडीयू की? विपिनेश जी, इस बात को हर कोई समझते हैं कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है। सदन में जो सकारात्मक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए और जनता को कैसे राहत मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हर राजनीतिक दल की होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। अभी आपने भी चर्चा की, बहुत सारे साथियों ने भी चर्चा की है कि किन अहम मुद्दों पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा। आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में। देखिए, किसी के घर का भी बजट होना, उस पर अपेक्षाओं का एक बोझ होता है। हमारे आपके घर के बजट पर भी हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि हम अपनी चीजों को उसी में कैसे आगे लेकर चले, कैसे मैनेज कर पाए। केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही है, उनकी अगुवाई में चल रही है, जब ये लोग सत्ता में आए थे तब इन लोगों ने बड़े बड़े लोकलुभावन वादे किए, चाहे वो रोजगार को लेकर वादे किए हों, चाहे वो महंगाई को लेकर किए हों, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, हर मुद्दे पर ये लोग विफल हुए हैं। इस बात को ये लोग भी समझते जाते हैं। आज देश के सामने कैसी स्थिति है, कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आनी है, कैसे चीन का विवाद सामने खड़ा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा तो होनी ही चाहिए, सकारात्मक तौर पर होनी चाहिए। जेडीयू का अहम मुद्दा क्या रहेगा? जाति जनगणना। जाति जनगणना तो हमारा अहम मुद्दा है ही। आपने देखा कि केंद्र की सरकार के उन्मुख रवैये के बाद बिहार की सरकार ने इसको अपने खर्चे पर शुरू किया है। बेरोजगारी, महंगाई भी एक बहुत अहम मुद्दा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जिसको लेकर हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जब रुपया लगातार डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हो रहा है, तो वित्त मंत्री जी का बयान आता है कि भाई डॉलर मजबूत हो रहा है, ये तो वही बात हो गई ना कि कल हो के अगर कोई बड़ा जहाज डूब जाए तो ये ना कहा जाए कि जहाज पानी के अंदर चला गया, बल्कि ये कहा जाए कि पानी जहाज के ऊपर चढ़ गया, इस वजह से हमारा जहाज डूब गया। तो स्थितियां आज बेहद गंभीर है, देश का आम नागरिक बेशक परेशान है, आज उसके सामने कई बुनियादी समस्याएं हैं जिन पर चर्चा करने के लिए केंद्र की सरकार तैयार नहीं है। हमें लगता है कि ये जो आने वाला बजट है, ये केंद्र की अनिला सरकार जी तो कह रही है कि हम इस मुद्दे पर तैयार करने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हो, ये विपक्ष एकजुट हो, एक सुर में सुर मिलाए, विपक्ष बिखरा हुआ है, उनको खुद नहीं पता कि कौन से मुद्दे पर चर्चा करनी होती है। देखिए, एक आम नागरिक भी चर्चा करने के लिए, अपने मुद्दों को उठाने के लिए सक्षम है, चर्चा करने के लिए सक्षम है। कोई यहाँ संख्या बल की बात नहीं हो रही है कि हमें विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित करनी होगी, उसके बाद ही हम अपने अहम मुद्दों को उठा पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। विपिनेश जी, आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं, यहाँ से जब आप अपनी आवाज उठाती हैं, मुद्दे उठाती हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये बात तो सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं अभिषेक झा जी लगातार कि हमें हर जगह एकजुट रहना होगा, समझ रहे हैं आप? एकजुटता आवश्यक है, नहीं, एकजुटता आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय में जब हम चाहते हैं कि देश में बुनियादी मुद्दों पर चुनाव हो, इसके लिए आवश्यक है कि देश का विपक्ष एकजुट होकर एनडीए के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे। इस बाबत हमारे नेता ने ऐसी बातें कही, ठीक है। घनश्याम तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, आ रही हूँ। आपने कहा जाति जनगणना तो हमारा प्रमुख मुद्दा है, उसके अलावा जो महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है उसको भी हम उठाएंगे सदन में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।